चेहरे को कैसा सुंदर और गोरा बनाए। नंबर एक, गुलाब जल लें, गुलाबरी भी बोलते हैं इसको, उसमें एक 10 रुपए की ग्लिसरीन जो छोटी शीशी आती है वो डाल दें, और एक कागजी नींबू लें बड़ा सा, उसके छिलके छलके सब हल्की हल्की फूल से भी छान के वो पानी में डाल दें, गुलाब जल में डाल दें, अपने हाथों पे लगा के रात को चेहरे पे लगा के सो जाए। ये रामबा नुस्खा है सुंदरता बढ़ाने के लिए, गोरा करने के लिए। और आप सुबह गर्म पानी से मुंह धोना है और गर्म तौलिए से मुंह की मसाज करनी है, थोड़ी हथेलियों की ऐसे मसाज करके चेहरे पे ऐसे मसाज करें, वो गर्म कर लें हथेलियों को, फिर उस चेहरे पे मालिश करें, फिर आपका चेहरा कितना सुंदर होगा देखना। एक विटामिन ई का इस्तेमाल करें, किशमिश है, एलोवेरा जूस है, खीरा है जिनमें विटामिन ई होता है, प्याज है, इनका सेवन करें, कि ककड़ी है इसका सेवन करें। यदि आपको किशमिश खाएंगे उसमें भी विटामिन ई बहुत होती है। जितनी भी विटामिन ई की चीज़ें हैं, यदि कोई चीज़ नहीं मिल सकती तो एक इवोन का कैप्सूल लिख लें, 500-400 mg का कैप्सूल आता है, एक ही रोज़ खा लें, उससे भी चेहरा सुंदर हो जाता है, कील मुहासे चाइयाँ दूर हो जाती हैं। खीरा हल्का हल्का चेहरे पे मले, केला उसका जो गुदा है उसको भी मिला के चेहरे पे लगा सकते हैं, फिर गर्म पानी से धो दें, थोड़ा लगा रहने दें। गुलाब जल तो रात को, सारी रात को लगा रहे, सुबह धोना है। एलोवेरा जेल चेहरे पे लगा सकते हैं। एक रामदेव का साबुन आता है चंदन, हल्दी चंदन, उसका देख आप, किसी की शादी होती है तो लड़का लड़की को रात को हल्दी लगाते हैं, हल्दी से मसाज करते हैं, हल्दी भी चेहरा सुंदर करती है। लेकिन यदि आप गरी का तेल, बादाम का तेल, एक टाइम आपने दिन में गरी का तेल लगा लिया, रात को आपने बादाम का तेल लगा के सो जाना, सारी रात आपके चेहरे पे लगा रहेगा, वो कितना सुंदर बना देंगे आपको। हाँ, तिल का तेल भी, ये तीनों तेल चेहरे पर लगाने के लिए सुंदर हैं। साथियों, इस वीडियो को इस अपने साथियों से शेयर करें, यदि किसी को अपने कील मुहासे छाइयाँ धब्बे दूर करने हैं तो मेरे को आके मिलेंगे, मैं उसका एक हफ्ते में उसको इसका रिजल्ट दिखा दूँगा। बड़ी अच्छी चीज़ें बनाई हुई हैं। धन्यवाद साथियों।